भारत में जो आखिरी जाति आधारित जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी और वो अंग्रेजों के काल में हुई थी। उसके बाद ओबीसी की जाति न्याय जनगणना, उस मुद्दे को ये कांग्रेस और बीजेपी की ब्राह्मणवादी सरकार ने समय समय पे काउंटर करने का प्लान बनाया। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जो था उस परिणाम को वो ब्राह्मणवादी मीडिया ने मीडिया में दिखाया और उस आंदोलन में 5000 लोग भी नहीं थे। और दूसरी तरफ भारत मुक्ति मोर्चा ने 2011 में ओबीसी की जाति न्याय जनगणना होने के लिए 10 लाख लोगों को रामलीला मैदान में उतरा था और दिल्ली में बहुत बड़ी रैली और सभा सफलतापूर्वक ली थी। उस घटना का किसी भी ब्राह्मणवादी मीडिया ने प्रचार प्रसार भी नहीं किया। ये मीडिया भी ब्राह्मणों का ही काम करते हैं क्योंकि उस मीडिया में एडिटर ब्राह्मण रहेगा तो कंपनी का मालक बनिया रहेगा, कंपनी का मालक बनिया रहेगा तो उसका एडिटर ब्राह्मण रहेगा। तो जो समस्या निर्माण कर रहा है वो समस्या का समाधान जहाँ पे मिलने वाला है वो दिखाने वाला नहीं है, तो समस्या का समाधान भी हमें ही करना पड़ेगा। भारत में ओबीसी की जाति न्याय जनगणना हम बोल रहे हैं कि होनी चाहिए, लेकिन ओबीसी की जाति न्याय जनगणना क्यों होनी चाहिए, उसका पीछे का महत्व क्या है वो भी हमें जानना जरूरी है। जो पुणे करार साइन किया, उस पुणे करार साइन करने के वजह से बाबा साहब ने तभी बोला था कि समाज में दलाल और भड़ों का प्रतिनिधित्व ज्यादा बढ़ेगा। वैसे एससी एसटी में जैसा शेड्यूल कास्ट में हम रामदास आठवले को बोलते हैं, मराठा में शरद पवार को बोलते हैं, बिहार में उधर रामविलास पासवान को बोलते हैं, वैसा ओबीसी का दलाल और भड़वा है नरेंद्र मोदी है जो ओबीसी के विरोध में ही बातें करता है। ये चेहरा ओबीसी का बताया गया लेकिन काम ये ओबीसी के लिए नहीं कर रहा है, ये काम ये ब्राह्मणों के लिए कर रहा है। और जो काम कर रहा था, करना चाहता था ओबीसी के लिए, वो ओबीसी का मुद्दा लेके आवाज उठाना चाहता था, वो थे हमारे गोपीनाथ मुंडे साहब। उनको तो उन्होंने भेज दिया, मालूम है सबको कहां भेज दिया। उनका षड्यंत्र पूर्वक इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल खत्म होने के बाद उन्होंने उनको मार डाला, उनका खून कर दिया। हमारा एक बुक भी पब्लिश हुआ है, वो बुक भी पढ़ सकते हैं आप। इसका मतलब ऐसा कर रहे हैं कि ये लोग ओबीसी का इस्तेमाल करते रहते हैं, ओबीसी का इस्तेमाल होने के बाद उसको फेंक देते हैं। जैसा कि अन्ना हजारे, ये देखिएगा, अन्ना हजारे को भारत मुक्ति मोर्चा के अगेंस्ट, ओबीसी की जाति न्याय के अगेंस्ट उसको खड़ा किया, ओबीसी के अगेंस्ट उसका इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद उसको फेंक दिया। जो नरेंद्र मोदी है, जो ओबीसी 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 के नाम पे बहुत बड़ा मीडिया ने बखड़ा खड़ा किया था और लोगों में फैला दिया था कि ओबीसी ओबीसी, ये ओबीसी विरोध में कैसा काम करता है। जैसे हमारे बहुत सारे लोगों ने बताया कि ओबीसी की जात नहीं है जनगणना जो होनी चाहिए थे, मद्रास हाईकोर्ट ने बताया। हमारे जैसा कोई मूल निवासी भाई था, वहां पे मद्रास हाईकोर्ट में उसने पिटीशन दायर की और वो शायद जजमेंट देने वाला भाई भी मूल निवासी रहेगा, उसने बोला नहीं बाबा, ओबीसी की जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए। उसके पीछे का रीजन है कि भारत में 52% ओबीसी है 1931 के जनगणना अनुसार, तो भारत के 52% ओबीसी को जो संविधान में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया है वो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन को उनको मिलना है कि नहीं, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। ओबीसी है वो 1 लाख के पीछे कितने ग्रेजुएट हो गए, कितने इंजीनियर हो गए, कितने डॉक्टर्स हो गए, कितने एडवोकेट्स हो गए, कितने आईएएस हो गए, कितने आईपीएस हो गए, कितने आईएफएस हो गए, इसकी अपने को जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए ओबीसी की जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन ये ओबीसी की जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए वो लोग ने जजमेंट दिया, फिर जजमेंट देने के बाद कोई ब्राह्मण उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वो पिटीशन आने के बाद हमारे सरकार, जो भारत सरकार है, जो मालूम है ब्राह्मणवादी सरकार है, बीजेपी कांग्रेस की सरकार है, उसको एक नोटिस इशू किया और नोटिस में पूछा गया, आप हमें बताइएगा कि ओबीसी की जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं।
होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए। तो ओबीसी का नेता जो सो कॉल्ड नेता है उसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो दलाल और भड़वेरी करता है ओबीसी का, उसने एक एफिडेविट दायर किया। उसने बताया जाति न्याय जनगणना होने के भारत में कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है, इसके लिए ओबीसी की जाति न्याय जनगणना नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं डिक्लेयर करता हूं। और वो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया, साला जज भी ब्राह्मण था वहां पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया और उसने एक डिसीजन दे दिया कि ओबीसी की जाति न्याय जनगणना नहीं होनी चाहिए, ओबीसी का सेंसस नहीं होना चाहिए, इसके लिए ओबीसी की जनगणना बंद की। जो भारत में 1931 का जो सेंसस हुआ, उस 1931 के सेंसस के हिसाब से भारत में 52% ओबीसी है। और हमारे साहब ने बताया, जो हमारे भारत मुक्ति मोर्चा के साहब थे, यूएन ने भी एक प्रस्ताव पारित किया है, कोई भी देश में जाके विदेशी राज्य नहीं कर सकता है, लेकिन भारत ऐसा एकमात्र देश है जहां पे विदेशी राज्य कर रहा है। तो भारत में 52% ओबीसी समाज है, तो 52% ओबीसी का राजा होना चाहिए था, लेकिन 52% ओबीसी का राजा नहीं है, ये ब्राह्मणों ने बैठाया दलाल और भड़वा नरेंद्र मोदी है। यानी जो ब्राह्मणवादी जो लोग है ये ओबीसी का इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद उसको फेंक देते हैं, ये हमारे ओबीसी भाइयों ने ये समझ लेना चाहिए। और ब्राह्मणों का साथ छोड़ के हमारा जो मूल निवासी का संगठन है, जो मजलूमों का संगठन है, उस मजलूमों का संगठन के लिए जो हमारी व्यवस्था है, जो भोजन की व्यवस्था है, उसको प्रस्तावित करने के लिए साथ सहयोग करना चाहिए। और सब हमारे मजलूम भाई एक साथ आके जन आंदोलन में अपना साथ सहयोग देंगे, इस आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। जय मूल निवासी।